एमपी अब तक देख रहे हैं आप, नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम और तस्वीर देखिए, खिले हुए चेहरे कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर से इतर जमीन पर भी बीजेपी दिग्गजों के, बीजेपी नेताओं के। जी हां, अनुमान से उत्साह है, एग्जिट पोल के अनुमान जो तो तस्वीर दिखाई है उससे बीजेपी गदगद है। एमपी बीजेपी में खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर सीएम शिवराज सिंह ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवराज ने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। मध्यप्रदेश में 230 सीटें, मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो वैसे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अभी से खुश हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में फिर से कमल खिलने जा रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एग्जिट पोल से उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंची हैं और यही वजह है कि एमपी में इस बार फिर से बीजेपी आएगी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह का भी आभार जताया है। रिजल्ट के पहले ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान देकर कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भी बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के अनुमान भी यही बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमने विरासत के साथ विकास भी किया है। जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ तो हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है। भाई साहब, एग्जिट पोल में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिखाई गई है, तो क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती, मैं अनेक बार कह चुका हूँ। एग्जिट पोल पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का बयान आया है। उनका कहना है कि एग्जिट पोल से झूठा माहौल बनाया जा रहा है। कमलनाथ कार्यकर्ताओं से निराश ना होने की बात कह रहे हैं, साथ ही कहा है कि 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। तो भले ही इस एग्जिट पोल ने बीजेपी नेताओं के चेहरों को रोशन कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यकर्ता निराश ना हो, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, 3 तारीख का इंतजार कीजिए। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये पर्यंत कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। वही बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया, कहा कि 3 दिसंबर को कई राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी। दावा किया कि 3-4 से राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने 5 राज्यों के नतीजों को लेकर कहा कि 3 दिसंबर का इंतजार करें। उनका कहना था बीजेपी की करारी शिकस्त होगी।
तीन दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से राज्यों के बहुमतों से जीत होगी। हम इस पर नहीं कुछ बोलते कि पांच में से, लेकिन मुझे पांच में से तीन तो मस्ट जीतूंगा, तीन से चार नहीं। मुझे परसों का इंतजार है और मेरी इच्छा भी है और मेरा आंकलन भी है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी। 2014 2019 में प्रधानमंत्री ने जो दावे और वायदे देश की जनता से किए थे, जनता के एक बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनको विजयी बनाया था। लिहाजा इस पराजय से इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद होगा और 2024 के विजय की पटकथा लिखने का सिलसिला भी प्रारंभ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव की मतगणना से पहले ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जय विलास पैलेस देखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे परिवार को पैलेस की सैर कराई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। पैलेस घूमने के दौरान सिंधिया और नड्डा के बीच ग्वालियर के इतिहास को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी नेता ने जयविलास पैलेस में लंच भी किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, तो वहीं काउंटिंग के पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रशासन और पुलिस की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। पुरानी जेल के बाहर जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। यहां करीब 1600 जवान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं शातिर चोर की, जिसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। जी हां, बुरहानपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां गांव के सहकारी बैंक में एक चोर तो करने आया था चोरी, लेकिन उसकी कोशिश रह गई अधूरी। कैसे, बता दें कि जब अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है, लेकिन इस चोर की चोरी करने की जो तैयारी थी वो क्यों अधूरी रह गई, इस रिपोर्ट में देखिए। बुरहानपुर के नावरा गांव के सहकारी बैंक की ये तस्वीरें हैं। बैंक में चोर घुसा है, देखिए इसने चोरी की पूरी तैयारी कर रखी है। चेहरे पर नकाब है, हाथ में ग्लव्स हैं, लेकिन जनाब की सारी होशियारी किसी काम नहीं आई। जैसे ही इसने लॉकर से छेड़खानी की, अलार्म बज गया। अलार्म के बजते ही चोर मौके से भाग खड़ा हुआ और बैंक में चोरी नहीं हो पाई। चोर के एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। शातिर चोर ने पहचान छिपाने की नीयत से ग्लव्स और काला लिबास पहन रखा था। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे हो रही है शहर शहर गुंडागर्दी। भोपाल और इंदौर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। भोपाल में तो हेड कांस्टेबल तक पर हमला कर दिया, तो वहीं इंदौर में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें भोपाल की हैं। कुछ लोग सड़क पर बेखौफ तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं, सड़क किनारे लगी गाड़ियों की कांच तोड़ रहे हैं, जबकि बाइक को गिरा रहे हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे हैं। एक व्यक्ति ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। घटना हबीबगंज की है। इन्होंने FRB पर भी हमला किया, यही नहीं हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया। अब इंदौर की तस्वीरें देखिए। यहाँ कैफे में गाना बजाने की बात पर जमकर हंगामा हुआ। दो बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की, युवक की बेल्ट और डंडे से पिटाई की। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। भिंड में भी बदमाश बेखौफ है। यहाँ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। फायरिंग के बाद राहगीरों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के इरादे से लाहार चौराहे पर सरेआम फायरिंग की गई। तीन शहरों में बेखौफ बदमाशों के उत्पात ने लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी।
वहीं ग्वालियर में युवक को बेरहमी से पीटा गया। युवक के पैरों पर पत्थर से हमला कर उनको तोड़ दिया गया। बिजौली रोड पर टोल नाके के पास की घटना है। उधर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यहाँ युवक के पैरों को बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, पत्थरों से हमला किया गया, युवक के पैरों पर बेरहमी से पिटाई की गई है युवक की। और ये क्यों हुई है, किसने की है, इन तमाम पहलुओं को अब पुलिस खंगाल रही है। दमोह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवारों से स्थानीय लोगों ने मारपीट की है। कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मारी थी। गांव वालों ने कार सवार युवकों को पीटा है। हिंडोरिया थाने के दमोह पटेरा मार्ग का यह मामला है। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी थी कार ड्राइवर ने। गांव वालों ने कार सवार युवकों को पीटा। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर जो कार चला रहा था शख्स काफी बुरी तरह से पीटा गया है। दमोह की घटना है जहां पर सड़क किनारे खड़ी हुई थी बाइक, उसको कार ने टक्कर मार दी। जो युवक कार चला रहे थे, कार में सवार थे, उनको नीचे उतार कर गांव वालों ने बुरी तरह पीटा। दमोह से पिटाई की एक और खबर है। पथरिया थाना क्षेत्र के सुजनीपुर गांव में दलित युवक को पीटने का मामला सामने आया। दुकानदार और उसके परिजनों पर दलित युवक की पिटाई का आरोप है। बताया जा रहा है कि पानी पीने को लेकर विवाद हुआ था और इसे लेकर युवक की पिटाई कर डाली। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम सुजनीपुर के रहने वाले भरत अहिरवार के साथ सुजनीपुर के ही रहने वाले शिवराज काछी व इसके भाइयों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट पानी पीने को लेकर हुई है। आरोपी पक्ष की दुकान है, जो पीड़ित शिवराज उसके यहाँ पानी पीने गया, इसी बात को लेकर तीनों भाइयों ने मारपीट की है। मामला पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। मुरैना में गैंगरेप के मामले में जिला कोर्ट ने तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। दोषियों में से दो सगे भाई हैं। मामला 2018 का है। पीड़ित घर पर अकेली थी, तब दोषियों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। और 2018 के इस मामले में जिला कोर्ट ने अब सजा सुनाई है। 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में तीन दोषी हैं, तीन दोषियों को सजा सुनाई गई। तीन दोषियों में से दो सगे भाई हैं। तर के केस में 20-20 वर्ष की सजा और 20-20 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सामूहिक बलात्कार का केस था। घटना दिनांक 5/10/2018 की है। खंडवा न्यायालय ने एक दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट ने यह फैसला दिया। दरअसल 15 साल की लड़की आरोपी की दुकान पर सामान लेने गई थी। इस दौरान आरोपी पीड़ित को अपने घर ले गया, जहां उसने पहले उसके साथ रेप किया और पत्नी के घर आने पर पीड़ित की हत्या कर दी। पत्नी ने भी पति का बचाव करते हुए उसका साथ दिया था। न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और धारा 201 में 5 वर्ष के दंड से दंडित किया। समाज पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसी घटना का, इस पर रोक के लिए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया। और अब हम आपको दिखाएंगे सांप की जान बचाने के लिए एक स्नेक कैचर का बड़ा रिस्क। जी हां, तस्वीरें बैतूल की है, जहां एक सर्प मित्र सांप की जान बचाने के लिए 45 फीट गहरे कुएं में उतर गया। सर्प मित्र रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और सांप को बचा लिया। मामला परमंडल का है, जहां सांप गहरे कुएं में फंस गया था। गांव वालों ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी, तब सर्प मित्र ने पहुंचकर सांप को कुएं से निकाला और उसे बाहर छोड़ दिया।
श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में लगातार टाइगर देखा जा रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंबोर पार्क का ये टाइगर और उसकी मां 6 महीने पहले रणथंबोर से लापता हुए थे। पहले गंगापुर से करौली, फिर धौलपुर होते हुए चंबल नदी पार कर ये टाइगर कुनू पहुंचा है। रणथंबोर के वन्यजीव एक्सपर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि अगर कुनू में मादा टाइगर छोड़ी जाए तो वहां भी टाइगर की संख्या बढ़ सकती है। टाइगर को रणथंबोर वापस लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रणथंबोर में काफी संख्या में नर टाइगर हैं। कुनू नेशनल पार्क में दिखा ये टाइगर राजस्थान का टाइगर है। रणथंबोर से ये यहां पहुंच गया है और ऐसे में और आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से।